हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मॉम। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ राम लड्डू। राम लड्डू को मैंने बचपन से गुलगुले बोला है, बहुत ही फनी नेम है और बहुत ही मुझे मज़ेदार और चटपटे लगते हैं ये। पहले मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें राम लड्डू बनाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर है 1 कप मूंग दाल जो कि मैंने रात को भिगो के रख दी थी, सॉल्ट, हींग है 1/4 टीस्पून और रेड चिली पाउडर है 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लिया। और गार्निशिंग के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए आइए पहले ग्राइंड कर लेते हैं दाल को। बिल्कुल पानी हम स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो हमारा जो बैटर है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया जिसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर बैटर निकाल लिया है, अब डाल देंगे इसके अंदर हींग, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और अब अच्छे से मिक्स करेंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स, जब तक ये बैटर फ्लफी नहीं हो जाता। कॉन्टिन्यूसली ऐसे मिक्स करते रहें, ये लाइट और फ्लफी हो जाएगा। मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएंगे और जब एक साइड से पक जाएंगे तब हम साइड चेंज कर देंगे, पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे गुलगुले राम लड्डू तैयार हो चुके हैं, तो आइए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए राम लड्डू बनाते हैं। गार्निशिंग के लिए डाल देंगे मूली, बहुत टेस्टी लगती है। और डालेंगे हरी चटनी। ये जो हरी चटनी मैं डाल रही हूँ ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है इसकी रेसिपी, मैंने वही वाली हरी चटनी बनाई है। साथ ही साथ डाल रहे हैं इमली की चटनी, ये वाली रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ले लीजिए आपकी राम लड्डू या गुलगुले जो कि मैं कहती हूँ, इसकी प्लेट तैयार है। तो आई रियली होप आपको रेसिपी अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लीव अ कमेंट एंड हिट द लाइक टू दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। टिल देन टेक केयर, बाय।